हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आज गाइस। आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप के फ्री फायर गेम कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। गाइस, इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। अभी वीडियो हम आते हैं मुझे कि भाई फ्री फायर के ऊपर एडिटिंग करो, तो गाइस हमारी वीडियो आ गई है। एंड गाइस यार, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहिए तो गाइस आप कमेंट कर दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, मैं गाइस वो कॉन्सेप्ट जरूर से लेकर आऊंगा। गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर हमारे वेबसाइट पर एकदम इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइस यार इंस्टा पे जरूर से फॉलो करना, वहां पे गाइस मैं ऑसम से कॉन्सेप्ट डालते रहता हूं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट फॉर इट। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने पिक्सआर्ट में इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद से आपने टूल्स पे जाना है सिंपल से, और यहाँ पे रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको देख लेना गाइस आपने 3K है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो गाइस आपने उसको 3K कर लेना है। फिर गाइस आपने सिंपल से चले जाना है ऐड फोटो पे, और यहाँ पे गाइस आपको एक PNG मिल जाएगी, तो आपने जस्ट इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये गाइस हमारे प्लेयर्स की PNG है, तो आपने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस हमें बस राइट साइड वाले प्लेयर्स को लगाना है, तो यहाँ पे गाइस हम दोनों को यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, और देन यहाँ से बस इसको आपने डन कर देना है। और फिर इसके बाद से आपने क्या करना है, आपने टूल्स पे जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा टी शिफ्ट का ऑप्शन, तो आपने उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस आपने इसमें ब्लर कर देना है। तो यहाँ पे नीचे वाला एरिया छोड़ के आपने ऊपर के साइड में इसमें ब्लर करना है, और इसमें गाइस आपने ब्लर रेडियस रख लेना है 6 और 7% तक। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इसमें 7% रखेंगे, और देन यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। और गाइस यहाँ से डन करने के बाद से अब आपने क्या करना है, अब इसको लेकर चले जाना है ड्रॉ टूल में। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम आते हैं अपने ड्रॉ टूल में, और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद से आपने क्या करना है, लेयर पे जाना है, और यहाँ पे गाइस सिंपल से आपने फोटो लेयर से चले जाना है। और यहाँ पे गाइस आपको एक मॉन्स्टर ट्रक की PNG मिल जाएगी जो गाइस फ्री फायर में होती है, तो आपने उसको सिंपल से ऐड कर लेना है, और गाइस ये ऑटोमेटिक अपने जगह पे सेट हो जाएगा। और गाइस अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से इसमें अपने अकॉर्डिंग से भी इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, मतलब हमारा मॉडल जिस टाइप से है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जो नीचे एम्प्टी लेयर है उसमें गाइस आपने ऐड फोटो पे चले जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको एक ड्रॉप की PNG मिल जाएगी, तो आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म पे ले जाना है, और इसको गाइस आपने मॉन्स्टर ट्रक के पीछे रखना है, और उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि गाइस ये थोड़ा सा हमें दिखने लगे। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको एडजस्ट कर लिया है, और यहाँ पर देखिए गाइस ऊपर के साइड में यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर का पेंट हो गया है, तो गाइस इसको हम इरेज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे, हम एम्प्टी लेयर बनाते हैं, और गाइस यहाँ पे एम्प्टी लेयर बनाने के बाद से इसको भी आपने मॉन्स्टर ट्रक के नीचे रखना है। ठीक है, इस लेयर को, और उसके बाद से ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको एक पेट की PNG मिल जाएगी, तो आपने इसको ऐड करना है, और सिंपल से इसको अपने ड्रॉप के ऊपर सेट करना है। तो गाइस हमने ड्रॉप की PNG इसीलिए ऐड की थी ताकि गाइस हम इस वाली PNG को उसके ऊपर सेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और देन डन करते हैं। और गाइस अभी के लिए हम अपने ड्रॉ टूल से अपनी फोटो को हम डिस्कार्ड कर लेंगे, क्योंकि सब ज़्यादा लेयर हो जाता है तो गाइस हमारा ड्रॉ टूल हैंग करने लगता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन ड्रॉ टूल में हम जाते हैं, और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद से अब आपने क्या करना है, ऐड फोटो पे जाना है, और यहाँ से गाइस आपने अपनी फोटो के कटआउट को ऐड कर लेना है। तो गाइस अगर आपने HD में बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, आप जाके देख के सीख सकते हो गाइस आपने बैकग्राउंड इरेज कैसे करना है। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा ट्रक है उसके ऊपर गाइस हम अपने मॉडल को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपने भी कुछ इसी टाइप से इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको सेट कर लिया है, और यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे, और गाइस इसको अपने मॉडल के लेयर के नीचे रखेंगे, और गाइस इसमें हम शैडो बनाएंगे। तो गाइस शैडो बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश लेना है, और इसमें गाइस साइज को फुल कर देना है, और ऑपेसिटी आपने 50 के अराउंड रख लेनी है। ठीक है, और यहाँ से गाइस आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, और सिंपली यहाँ पे इसको पेंट करना है कुछ इस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से गाइस आपने पेंट करते जाना है, मतलब जहाँ पे गाइस आपको शैडो चाहिए, उसके बाद से मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर गाइस आपने हार्ड वाले इरेजर पे जाना है, और इसकी हार्डनेस को 1% तक कर देना है, और सिंपल से हल्के हल्के करके इरेज कर देना है साइड साइड से। ठीक है,
और देन बाद में उसकी ओपेसिटी भी कम कर देनी है, और फिर गाइस इसको इरेज करना है। देखिए हमने यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम कर ली है। तो गाइस कुछ इस टाइप से इरेज करोगे तो आपका शैडो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देखिए हमें नीचे के साइड भी शैडो चाहिए, तो यहाँ पे गाइस हम ड्रॉ कर लेंगे और गाइस देन इरेजर पे जाके गाइस हम साइड साइड से इरेज कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने शैडो का काम कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड फोटो पे जाएंगे। और यहाँ ऐड फोटो पे जाने के बाद से गाइस आपको एक ब्लर ग्रास की पीएनजी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको ऐड कर लेना है, और इसको ऐड करने के बाद से गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपने इसको फुल बैकग्राउंड पे करना है, और देन यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद से गाइस हम फिर ऐड फोटो पे जाएंगे, और यहाँ पे गाइस आपको एक और पीएनजी मिल जाएगी बुया की, तो आपने इसको ऐड कर लेना है। और ये गाइस इसको ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अपने ट्रक के ऊपर ही लगा देते हैं कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको सेट कर लेते हैं, और गाइस इसको यहाँ पे सेट करने के बाद से आपने इसको डन कर देना है। और डन करने के बाद से ड्रॉ टूल जाना है, फोटो को करना है सेव, और फोटो को सेव करने के बाद से आपने इसको लेकर चलना है लाइट रूम में। गाइस यहाँ पे आ गए अपने लाइट रूम में, और लाइट रूम में आने के बाद से गाइस मैंने इसकी एक प्रीसेट दे रखी है, आपने उस प्रीसेट को डाउनलोड करके ऐड कर लेना अपने लाइट रूम में। और यहाँ पे गाइस आपने प्रीसेट के ऊपर जाना है, थ्री डॉट्स पे जाना है, और यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने कॉपी करना है। और फिर क्या करना है, आपने अपनी फ़ोटो के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे गाइस हम आते हैं अपनी फ़ोटो के ऊपर, यहाँ पर देखिए गाइस हमारी फ़ोटो उतनी सही नहीं लग रही है, और यहाँ पे प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद से आप देखना, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, तो और देखिए गाइस हमारी फ़ोटो कितनी ज़्यादा ऑसम लगने लगेगी। उसके बाद से गाइस आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपने लाइट वाले बटन पे जाना, और यहाँ पे गाइस एक्सपोजर को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और देन उसके बाद से आप कलर वाले पे जाके उसमें टेम्प को भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसमें माइनस करोगे तो गाइस ये ब्लू कलर में हो जाएगा, और इंक्रीज करोगे तो येल्लो कलर, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हो। बाकी गाइस जैसे मैंने ये बनाई, ये एकदम परफेक्ट है गाइस, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।